नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज के सुबह में यहाँ पे बताऊंगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है आपको यहाँ पे लिमिट है। यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट लिमिट शो हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पे डालते हैं, डिटेल डालते हैं, तो आपको यहाँ पे लिमिट शो हो जाएगा कि आपको यहाँ पे कितना लिमिट देता है। ये अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है कि जैसे हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे लिमिट कितना मिलेगा, ये वो सब यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल लिमिट दे दिया जाता है कि आपको यहाँ पे इतना लिमिट दिया जाएगा और आप यहाँ पे लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे कम लिमिट देता है तो आपको यहाँ पे लगे कि नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि लेना है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे लगा कि आप यहाँ पे लिमिट देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे ज़्यादातर बैंक यहाँ पे यही कर रही है कि लिमिट यहाँ पे इंस्टेंस शो कर रही है कितना यहाँ पे लिमिट आपको दिया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए तो हम आ गए हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियली यहाँ पे वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए BOB फाइनेंशियल ये वेबसाइट है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप यहाँ पे नेट बैंकिंग का अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग रजिस्टर लॉगिन सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे सब कुछ अब यहाँ पे ऑफर्स जो है आप दिखाई दे रहे हैं, जोमेटो ये सब पे ऑफर अब यहाँ पे चलता है। अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है और यहाँ पे देखिए ऑफर्स के डिटेल यहाँ पे देखिए बताए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे गेट अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे दिया गया है, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, ट्रेना क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए अच्छे खासे फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी अब यहाँ पे मिलने लगा है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे जो यहाँ पे इंट्री लेवल कार्ड है उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंट्री लेवल कार्ड में क्या रहता है कि यहाँ पे अप्लाई मतलब करने पे यहाँ पे प्रोसेसिंग अप्रूवल लिमिट मिलने में प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे है अप्रूव मिलने में कार्ड मिलने में आसानी होता है। तो देखिए मेरे पास सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पहले से ही है, इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। यहाँ पे न्यू पैन कार्ड है तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा इजी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 रुपये पे यहाँ पे 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है और एक रिवॉर्ड्स पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। 100 रुपये अदर स्पेंड करते हैं तो ग्रोसरी वगैरह पे यहाँ पे 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है। अदर क्रेडिट कार्ड भी देख लीजिए आप यहाँ पे क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम इजी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में नाउ मोर पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए दिया गया 5x रिवॉर्ड्स पॉइंट फॉर एवरी 100 स्पेंट ऑन ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर मूवी स्पेंट यहाँ पे दिया गया है और वन रिवॉर्ड्स पॉइंट एवरी अदर स्पेंट पे दिया जाएगा 100 रुपये। फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे वेव कर दिया जाएगा। 0 एनुअल फी यहाँ पे बेसिक ऑन कार्ड यूजेस के ऊपर रहता है, ठीक है। 5x रिवॉर्ड्स पॉइंट डेली एक्सपेंसेस पे यहाँ पे जैसा मैंने आपको बता दिया। फ्यूल सर्चेज भी यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे देखिए 1% यहाँ पे वेव कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया मैक इजी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यहाँ पे तब रहता है, यहाँ पे देखिए 6000 अगर यहाँ पे 60 दिन के अंदर यहाँ पे यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए वेव हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ईयरली जो है एनुअल चार्ज यहाँ पे है 35000, आप यहाँ पे साल भर में यूज करते हैं तो आपका यहाँ पे एनुअल चार्ज भी यहाँ पे यूज मतलब यहाँ पे एनुअल चार्ज भी यहाँ पे माफ़ कर दिया जाएगा। मल्टीपल रिडेम्पशन ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट के। एक रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 50 पैसा होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इजी EMI ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 2500 रुपये तक का आप यहाँ पे 36 महीने तक का यहाँ पे EMI कर सकते हैं। फ्री एड ऑन कार्ड यहाँ पे दिया गया है जो कि 3 लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मतलब एड ऑन कार्ड यहाँ पे ले सकते हैं। 18 प्लस 18 से ऊपर के अपने घर में किसी का भी आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अगर आपका कार्ड यहाँ पे खो जाता है तो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे दिया जाता है। प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया है यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे फ्री यहाँ पे फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा, यहाँ पे 500 रुपये चार्ज है। एनुअल फीस भी यहाँ पे फ्री रहेगा लेकिन जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको यूजेस के ऊपर ही यहाँ पे देखिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, हर साल ऐसे ही यूज करना है। तो हम यहाँ पे पूरा जान लिए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे देखिए जो अप्लाई वाला ऑप्शन है यहाँ पे पेज है वहाँ पे चले जाएगा। अप्लाई स्मार्ट डिजिटली यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आसानी से हम यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड जैसे ही यहाँ पे दिया गया है। फिर ई सिग्नेचर यहाँ पे क्या करना रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई सिग्नेचर भी कर यहाँ पे करना रहेगा, उसके बाद यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल स्टेप में आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वीडियो KYC भी हो सकता है, यहाँ पे आगे जाकर देखेंगे।
वीडियो के वैसे के जरिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको डिटेल्स थोड़ा यहाँ पे फिलअप करना रहेगा, पूरा डिटेल यहाँ पे देखिए आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइटल में आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए मिस्टर मिसेज जो भी आप यहाँ पे है वो अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट नाम, मिडिल नाम नाम ऑप्शन में है, लास्ट नाम आप यहाँ पे जो भी है रख दीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पे देख लीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे जो एंटर करना है, आप आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है वही एंटर करना है। फिर यहाँ पे करंट पिन कोड एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और यहाँ पे रेसिडेंट्स आप जो भी है। पहली बात है आज जान लिया आप 18 साल की उम्र तक यहाँ पे आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इनके टर्म कंडीशन पे यहाँ पे एग्री कर लेना है, दोनों ही यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे आप भी फिलअप कर लीजिए। देखिए हमने फिलअप कर लिया, फिलअप करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल जो लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, उसको एंटर कर लेना है। अगर ओटीपी नहीं जाता तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, 5 मिनट बाद यहाँ पे रिसेंट पे आप क्लिक करके दोबारा से ओटीपी ले सकते हैं। ओटीपी मिलने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग लेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आप यहाँ पे क्या करते हैं, सैलराइड है, सेल्फ एम्प्लॉई है, जो भी आप यहाँ पे हैं उसे एंटर कर दीजिए, जो भी आप हैं, ठीक है, उस यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे सैलराइड है तो सैलराइड पे क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉई है तो सेल्फ एम्प्लॉई पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे एनुअल इनकम क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करिए जो आपके पास यहाँ पे प्रूफ रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे एनुअल इनकम पूछा जाएगा, आपका एनुअल इनकम कितना है, सालाना इनकम आप यहाँ पे कितना आपका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है, नीचे आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आप यहाँ पे स्लाइड करके भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका एनुअल इनकम जितना भी है आप यहाँ पे स्लाइड करके भी कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे ड्रॉ करके कर लेना। फिर यहाँ पे नीचे आपको आना है, नीचे दिया गया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आपको जो चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो यहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है अगर वो चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो यहाँ पे रेगुलर कार्ड है उस पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली आपको मिलेगा। तो हमें यहाँ पे रेगुलर चाहिए तो रेगुलर क्लिक करेंगे, जो आपको चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आपका यहाँ पे पहले से कोई रिलेशनशिप है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं तो नो करिए। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है अगर आपके पास अदर कोई क्रेडिट कार्ड है तो इस पर यस करिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। सारा कुछ यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद देखिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आएगा, देखिए प्लीज़ शेयर द परमानेंट रेजिडेंट, यहाँ पे एड्रेस जो है आपका, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो आपका यहाँ एड्रेस है वो फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है लैंडमार्क वगैरह सब कुछ अच्छे फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आधार कार्ड का यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, वो ऑप्शन में है, अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहें तो एंटर कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उस बॉक्स पर क्लिक करिए, नहीं तो वहाँ पे अदर अगर एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन देगा। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे देखिए दिया गया एम्प्लॉय डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय डाले रहेंगे तो वो यहाँ पे उसका डिटेल्स आप यहाँ पे करिए, आपके कंपनी का नाम क्या है और यहाँ पे मतलब किस टाइप की कंपनी, मतलब क्या है वो यहाँ पे वो एंटर कर दिए। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, यहाँ पे क्या पद है उस पर आप वो एंटर कर दिए। फिर यहाँ पे कितने सालों से आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आप यहाँ पे हैं वो एंटर कर दीजिए। देखिए हम यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे एम्प्लॉय थे तो हमने सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया अपने ऑफिस का। तो यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया गया कंग्रेचुलेसन, यहाँ पे नाम आपका दे दिया जाएगा। आपको कितनी लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड कर की जा रही है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, देखिए यहाँ पे 23,000 की लिमिट हमें मिली है। फ्रेश यहाँ पे पेन कार्ड है, यहाँ पे 23,000 की लिमिट यहाँ पे दी जा रही है। देख लीजिए इजी कार्ड में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्रूव होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे लिमिट मिलता है आप यहाँ पे अप्रूव किया जाते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपको एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड शो हो। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे स्लाइड करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, मुझे यहाँ पे यही क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव किया जा रहा है तो हम यही अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको आपका सिविल अच्छा हो, आप यहाँ पे पहले से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो
तो आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड शो होंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ही शो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरा फ्रेश यहाँ पे पैन कार्ड है। तो 23,000 किलोमीटर यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे इंस्टेंट देख सकते हैं कितना आपको लिमिट मिल रहा है, प्लस यहाँ पे पूरे डिटेल जैसे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर, यहाँ पे रिवर्स वगैरह, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं से यहाँ पे वो देख लीजिए। आप चाहे तो फिर कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेप है जिसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे दिया गया है आपका जो यहाँ पे टाइटल हो तो वही है, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे दे देना है। फिर यहाँ पे जो एजुकेशन यहाँ पे है कितना आप पढ़े हैं वो दे देना है। फिर कार्ड पे आपका नाम क्या है चाहिए, कार्ड पे नाम क्या चाहिए वो एंटर कर दीजिए। फिर अल्टरनेट नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर देखिए आपको मदर नेम, जो आपका मदर नेम है वो एंटर कर दीजिए यहाँ पे। फिर फादर नेम यहाँ पे आएगा वो एंटर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको कार्ड कहाँ चाहिए, मतलब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे या ऑफिस एड्रेस पे या फिर करेंट एड्रेस पे, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे अप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस चाहिए आपको, नॉमिनीस इंश्योरेंस जो है उस पर प्राइमरी अकाउंट का यहाँ पे इंश्योरेंस चाहिए जिसका नॉमिनीस यहाँ पे, मतलब ये सब यहाँ पे चार्जेस वगैरह लगेगा अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हैं। तो हमें नहीं चाहिए तो हम नो कर दिए, आपको चाहिए तो यस पे क्लिक करके नॉमिनीस का नाम वगैरह डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस करेंगे। सारा कुछ हमने फिलअप कर दिया, फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पर आएगा कि आपको यहाँ पे एड ऑन कार्ड सर्विस चाहिए। अगर एड ऑन कार्ड सर्विस चाहिए अपने फैमिली के लिए आपको चाहिए, नो कॉस्ट यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दो कार्ड यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए, अगर चाहिए रहेगा तो यस पे करके फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे आता है देखिए कि आपके पास आप डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके आप IFSC कोड, यहाँ पे बैंक नाम, ब्रांच नाम और यहाँ पे अकाउंट टाइप वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगा। और प्लस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट होल्डर नेम वगैरह दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर आप ब्रांच से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर यहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं उनका कोड वगैरह लगता है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लास्ट स्टेप में आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा अगर चैनल पर नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ बैंकिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे प्लीज़ अपलोड द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जिसमें यहाँ पे फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर लेना है। आपको एक एक करके क्लिक करके सारा कुछ यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे फोटोग्राफ में आप यहाँ पे फोटोग्राफ पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे देखिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आधार प्रूफ में मतलब एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे जो भी आपके पास है यहाँ पे दे दीजिए। इनकम प्रूफ में आपका बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा। तो इतना सब आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड करने के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे है वो अपलोड कर लीजिए, एक एक करके सारा कुछ यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे 3 MB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, सारे में यहाँ पे 3 MB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो सब कुछ आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पहले तो यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर लेना है जो भी यहाँ पे है, और स्टेटमेंट आप यहाँ पे मिनिमम 3 महीने का दें। तो यहाँ पे चलिए हम कर लेते हैं फटाफट। देखिए मैं आपको एक अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया मिनिमम यहाँ पे 3 MB का रहना चाहिए, और यहाँ पे PDF, JPG एंड PNG यहाँ पे लिया जाएगा। सपोर्ट रहना चाहिए यहाँ पे, KYC सपोर्टेड रहना चाहिए। तो सारा कुछ हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज क्या आता है वो बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया टर्म एंड कंडीशन, हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, आपको चाहिए तो पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया डू यू वांट्स टू प्रोसीड, ई सिग्नेचर, थर्ड, आधार, OTP, तो आप यहाँ पे चाहिए तो कर सकते हैं नाउ पे क्लिक करके, अगर नहीं चाहिए तो लेटर पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे है जो एंटर करना पड़ेगा। ये हमें ले जाएगा NSDL के वेबसाइट पे। NSDL के वेबसाइट पे ले जाने के बाद यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस होगा, जो आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना रहेगा। देखिए यहाँ पे नया जो NSDL का वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो रहा है,
ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पूरा कुछ डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ई सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जो बैंक का फॉर्म है यहाँ पे शो हो गया है सारा कुछ। यहाँ पे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए OTP यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहिए। यहाँ पे देखिए आई एग्री पे क्लिक कर लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम दे दिया जाएगा, सब कुछ आपका आधार से लिंक जो नंबर है, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे VID या आधार कार्ड नंबर आपको एंटर कर देना है, जो भी आपके पास है वो एंटर कर दीजिए, चाहे आपके पास आधार कार्ड नंबर हो या VID नंबर हो, वो दोनों में से एक एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे VID नहीं मिला तो क्लिक हेयर नीचे टू जनरेट यहाँ पे VID नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक किया। सेंड OTP पे एक क्लिक करने के बाद हमें एक OTP आएगा, उसे एंटर कर देना है। OTP अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे रिसेंड OTP पे क्लिक करके दोबारा से ले सकते हैं। OTP एंटर करने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे वेरीफाई करेगा हमारे डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ पे वेरीफाई करेगा, आधार से वेरीफाई करेगा, सही है कि नहीं। यहाँ पे आधार से वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा लोडिंग लेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो डिजिटली ई सिग्नेचर है वो वेरीफाई होगा सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए अब हमारा पेज वहाँ पे फिर से जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया, थैंक यू फॉर इंटरेस्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया जाएगा। साइड में आपको यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दे दिया जाएगा जो कि टोल फ्री रहेगा। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन आईडी वगैरह देके। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो को ऐसे ही अब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया है। पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे वीडियो KYC के जरिए यहाँ पे जो यहाँ पे है बैंक अप्रूवल दे देती थी KYC, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वीडियो KYC के जरिए हो जाता था। प्लस यहाँ पे देखिए क्या है कि जो यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता था, वीडियो KYC के जरिए बस आधार कार्ड पैन कार्ड एक सिग्नेचर करके दिखाना रहता था, हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या होने लगा कि देखिए बहुत ही ऐसा होने लगा कि जो जितने भी यहाँ पे हैं मतलब कस्टमर रहते हैं जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे वो वीडियो KYC में इनकम प्रूफ तो मांगते नहीं है। इनकम प्रूफ ना मांगने के कारण कितने लोग ऐसे हैं जो विदाउट यहाँ पे इनकम ले लिए, प्लस यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ के बिना यहाँ पे मतलब विदाउट इनकम ही यहाँ पे अप्रूवल मिल जा रहा था। प्लस यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मुंबई में है और यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड पे एड्रेस यहाँ पे मुंबई का है और रह कहीं और रहे, फिर भी वीडियो KYC के जरिए यहाँ पे कर ले रहे, वेरिफिकेशन होता ही नहीं था। तो ये सब देखते हुए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिर से यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे कर दिया है कि यहाँ पे जब तक यहाँ पे होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस, मतलब आप यहाँ पे अगर एम्प्लॉय हैं तो आपके ऑफिस का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो फिर भी आपके यहाँ पे जहाँ भी आपका यहाँ पे बिजनेस है उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। प्लस यहाँ पे घर पे आके यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स तो आपने अपलोड कर दिया, अब से यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे पहले यहाँ पे होम एड्रेस पे और ऑफिस एड्रेस पे यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद तभी आपको यहाँ पे कार्ड दिया जाएगा। अगर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होता है तब जाके आपको यहाँ पे अप्रूव दिया जाएगा, नहीं होता है तो यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी एजेंट आएंगे इनके तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, तो आपको आके यहाँ पे बस देखेंगे, पूछेंगे, हो गया, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स कब लेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी शायद से ना ले, डॉक्यूमेंट्स अगर लेंगे भी तो यहाँ पे तब लेंगे जैसे यहाँ पे आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है मोबाइल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे दिया लास्ट सिस्टम में दिखाया आपको। यहाँ पे आधार कार्ड से यहाँ पे हमें जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना रहता है, तो अगर आप यहाँ पे लेटर करते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे आके वो बायोमेट्रिक यहाँ पे करें, इनके एजेंट जो आएंगे बायोमेट्रिक करेंगे, हो सकता है आपको यहाँ पे फ़ोटो भी ले। अगर आप यहाँ पे नाउ करके मतलब इंस्टेंट यहाँ पे आप यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे आने के बाद कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना सा प्रोसेस था। देखिए यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोसेस जाएगा करीब 20 दिन का इनका प्रोसेस होता है। 20 दिन में यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपको यहाँ पे कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले से ही एक कार्ड यूज कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, और इसमें मुझे यहाँ पे 1,56,000 की लिमिट मिली है। मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ पहले से ही, और यहाँ पे कैसे रिडीम करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे बता दिया हूँ। तो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया हूँ, अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे भी जरूर सब्सक्राइब करें, बैंकिंग रिलेटेड वहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।